Without further ado, please join me in welcoming to stage Mr. Abdul Rauf Chaudhary, Chairman of Fair Deal Group of Companies. Give him a round of applause. Come on, everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nusru min Allah fathun qareeb. Neman Maula wa Neman Naseeb. Ya Hayyu Ya Qayyum Bahak Ya Badu. Aaj ki is khoobsurat sham ko bayan karne ke liye alfaaz to shayad mere paas nahi hain, lekin main itna kehta hoon ki AAA Fair Deal aur Parkview City ne वो कुछ कर दिखाया जो आज तक शायद कोई डेवलपर, शायद कोई मार्केटिंग कंपनी और बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर करने वाले ना कर सके। तो मैं चाहता हूं कि आप अब से पहले होस्ट ने बहुत सारे लोगों को वेलकम किया, क्लैपिंग करवाई, मेरे साथ मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने पर सबके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारी इस खूबसूरत शाम के चीफ गेस्ट विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब और उनके साहबजादे जो कि हमारे ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, और इनके साथ पूरे पाकिस्तान का प्राउड वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी साहब, इंजमामुल हक साहब, मुश्ताक भाई, यूसुफ भाई, हफीज़ भाई, मोइन खान भाई, अदनान सदीकी, मैं किस किस का नाम लूँ। मैं चाहता हूं कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान को आप पर फख्र है, फेयर डील भी आप पर जितना फख्र करे उतना कम है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपकी क्रेडिबिलिटी की हम पूरी हिफाजत करेंगे, पूरी ऑनरशिप लेते हैं कि आप अगर फेयर डील के साथ, फेयर डील के इवेंट्स में किसी भी तरीके से अपने आप को लेकर आते हैं तो इंशाल्लाह आपकी वजह से फेयर डील कभी आपका कद काट कम नहीं होने देगी, कद काट बढ़ाएगी, आपके लिए दिन रात एक लगाएगी और आपके दिए हुए लफ्ज़ों की इंशाल्लाह पूरी पूरी कीमत अदा करेगी। आज का ये जो इवेंट है, इस इवेंट में बड़े बड़े स्पीकर बोलेंगे, मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों को वेलकम करने का था। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और AAA फेयर डील की तमाम टीम को मुबारकबाद भी देता हूं और उनको ये कहता हूं कि ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले हैं, वो ये कह रहे थे कि सर अब कहाँ, किस जगह कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे ग्रुप के जो चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब हैं, जो मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि देखें लोग, ओवरसीज़ के लोग जो हमेशा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पर क्वेश्चंस करते हैं, देखें वो आप पर इतबार भी करते हैं, आप जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें उसकी सक्सेस के, कामयाबी के चांसेस कितने हैं। तो मैं अलीम खान साहब और उनके साथ डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फरीद जका बाजवा साहब, एडवाइज़र टू चेयरमैन जनाब जुनेद साहब, उन सब को कहता हूं कि सर ये गल्फ में हमारी स्ट्रेंथ है, आप आवाज़ लगाएंगे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट को सेल करना AAA फेयर डील या फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज 100% आपको इंश्योर करेगी कि वो इस पर आपको कभी मायूसी नहीं दिखाएगी। बाकी इंशाल्लाह चोई मोइन साहब, आपने गल्फ में पार्क्यू सिटी को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, प्रमोट किया है, हम सब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। इंशाल्लाह आज के दिन में पार्क्यू हमेशा की तरह नए नए ट्रेंड सेट कर रहा है अपने मुल्क के लिए। अलीम खान साहब के दिल में जो दर्द है, उस दर्द को महसूस करते हुए हम अभी मीटिंग में बैठे थे, वसीम भाई से डिस्कस कर रहे थे कि वसीम भाई आप कोई ट्वीट करते हैं, कोई वीडियो करते हैं तो उसको बड़ी प्रमोशन मिलती है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये इनका पसंदीदा वॉकिंग ट्रैक जो है वो बीच है, तो ये जब बीच पे वॉक करते हैं या कुछ जॉगिंग करते हैं तो इनको गंदगी बड़ी अट्रैक्ट करती है, ये कहते हैं कि यार ये क्या है, ये हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो अब्दुल अलीम खान साहब ने और मैंने सोचा कि हम अपने पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ भी बनाएं कि जिस पर
दुनिया फख्र करे। और मेरा ख्याल है उसको रिवील हमारे ग्रुप में एक नई कंपनी बनी है जिसको ज़ैनब हेड करेगी, जो अलीम खान साहब की दुख्तर है। और आज मेरे ख्याल में उस ग्रुप में इस कंपनी का इजाफा भी हुआ है। तो वो जे के नाम से है, वो इस बीच रिजॉर्ट के नाम से ओपनिंग होनी है, तो उसके इंटीरियर भी करेगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको वसीम भाई इंश्योर करता हूँ कि आप पाकिस्तान में एक जिस तरह की खूबसूरती, जिस तरह का हमारे खूबसूरत बीचेस हैं, इस तरह का एक बीच रिजॉर्ट देखने जाएंगे इंशाल्लाह। शाहिद भाई, इंजमाम भाई, मैं लोगों के नाम ले लेकर अगर बात करूं तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि शाहिद भाई आपने पार क्यों विज़िट किया, आपने कहा मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए यहाँ घर बनाना चाहता हूँ। और इसी तरह वसीम भाई ने विज़िट किया तो वसीम भाई ने अपने घर के लिए कहा। हफीज़ भाई से हमने बात की तो उन्होंने कहा यार मैं घर नहीं, मैं तो यहाँ अपना कमर्शियल बनाना चाह रहा हूँ। इसी तरह यूसुफ भाई, मुश्ताक भाई, इंजमाम भाई, अभी रिसेंटली इंजमाम भाई का एक बेस्ट बर्थडे था जिसने यानी कि अपनी ज़िंदगी शायद आइंदा यूके या यूरोप में गुजारने का तहिया कर रखा था। उन्होंने कहा कि अगर इंजमाम भाई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बनाऊँगा। तो उन्होंने भी वहाँ पर हमारे लेजेंड्स में अपना पूरा इंडिपेंडेंट जो है एक प्रोजेक्ट करने का ऐलान किया। इसी तरह नसीम शाह साहब और भी बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं और उन्होंने फेयर डील पर ट्रस्ट किया। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये कहता हूँ जो आप ओवरसीज़ हैं, आप बहुत मेहनत से खून पसीने की कमाई से यहाँ पर एक एक धर्म इकट्ठा करते हैं। आपके माँ बाप आपके लिए हमेशा दुआगो होते हैं और पारक्यू आपकी जो मेहनत की कमाई है उसमें जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या उसको सिक्योर करने के लिए आपको इंश्योर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेव होगी और आप जो पैसा लगाएंगे इंशाल्लाह वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना होकर आपको वापस मिलेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट अभी आपके साथ चलेगा और नई नई चीज़ें आप को देखेंगे। सिर्फ एक दफ़ा ट्रिपल ए फेयर डील की कॉल पर, इनवाइट पर आपने जो लबैक कहा और आप लोग यहाँ पर हाज़र हुए, अगेन एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। और आप सब के लिए मेरी तरफ से भी क्लैपिंग होगी। थैंक यू।